ज्ञान गर्भी पे सिर्फ तारीखी आती रहेगी, फैसला नहीं होगा क्या, क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि कोर्ट कोर्ट भी कोई भी जजमेंट जब देता है या फैसला देता है तो सभी साक्ष्यों को सुनता है, सभी जो एविडेंस मिलते हैं उनको देखता है, देखने के बाद फैसला देता है। तो अभी जो भी कमिश्नर अपॉइंट हुआ, एक प्रोसेस होता है कोर्ट का, कमिश्नर अपॉइंट हुआ, कमिश्नर ने रिपोर्ट सबमिट करी, उस रिपोर्ट के बाद जो भी साक्ष्य हैं उनको देखा जाएगा, जो एविडेंसेस मिले हैं, जो गवाह मिले हैं उनको देखा जाएगा, उसके बाद फिर जजमेंट दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये तो बिल्कुल अभी हम कोर्ट के उस पर तो कुछ कह नहीं सकते बीइंग लॉयर, बट ये है कि जजमेंट जो भी दिया जाता है तो वो साक्ष्य पे दिया जाता है, एविडेंस पे दिया जाता है, तो आस्था पे नहीं दिया जाता है। तो मैं कोर्ट से यही कहूँगा कि कम से कम जो भी आप जजमेंट दें वो एविडेंसेस पे, साक्ष्य पे दे, आस्था पे न दे। पर सर जो साक्ष्य मिले हैं मस्जिद में, शिवलिंग मिली, डमरू मिला, क्या ये इस सब के एविडेंस के आधार पे? देखिए ऐसा है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है। और आपको मैं पहले भी बता दूं कि शिवलिंग जहाँ भी स्थापित होता है तो शिवलिंग के साथ साथ पूरी दुनिया में आप देखेंगे या देश में एक जो है योनि होता है, वहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। ठीक है, और हम मीडिया वाले या जो भी लोग हैं पहले से ये दावा नहीं कर सकते, वो फवारा पहले से था, कई से साल से वहाँ फवारा था, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ये अचानक मुद्दा उठ के आया है, कोर्ट उसको दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कर देगा। कानून की जानकार भी है तो आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पे वाकई में शिवलिंग या फवारा है, या वहाँ फवारा ही है? देखिए ऐसा है कि बीइंग एडवोकेट अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि वहाँ पे फवारा है या शिवलिंग है, लेकिन फवारा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कई सौ साल से वहाँ पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, किसी ने कोई चैलेंज किया नहीं था, कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं, ये अचानक एक बाबरी मस्जिद के बाद एक मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे के बाद जो है ठीक है, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, कमिश्नर ने अपना काम करके सपोर्ट कर रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो अब देखिए कोर्ट वेट करना चाहिए, और हमें लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर। क्या लगता है, क्या पता है इसका भी अयोध्या जैसा हाल हो, लगातार तमाम हिंदू पक्ष के बड़े दावे हो रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंगी है, मुसलमानों के अंदर एंट्री ना मिली, सब कैसे देख रहे हैं? लगातार याचिकाएं दायर की जा रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि कोई भी जजमेंट या कोई भी जो है ना जजमेंट जो है फैसला आप जो है आस्था पे नहीं देंगे। ठीक है, राम मंदिर का जो मैटर था आपने खुद सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबूत तो नहीं है, साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन आस्था पे वो जजमेंट दिया गया था। मुसलमानों ने भी कहा कि चलो बहुत सालों से लड़ाई चल रही है बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये अब कम से कम ये मुद्दा खत्म हो जाएगा भारत देश से, अब विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, लेकिन ये लोग आए दिन चुनाव की वजह से जो है, जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में लोग परेशान हो रहे हैं, और ये मुद्दा उठाया जा रहा है, नफरत की बात की जा रही है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की बात की जा रही है। ओबीसी ने बड़ा दावा किया है कि मोदी के घर के नीचे मस्जिद है, इसे आप कैसे देखें? देखिए ये तो एक मजाक है। ये तो जैसे आए दिन वो लोग कहते हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं कहते हैं कि यहाँ पे शिवालय मिला, यहाँ पे शिवलिंग मिला, वैसे ही ओबीसी ने भी एक मजाक कर दिया कि मोदी जी के घर के नीचे खुदाई की जाए, तो ये तो मजाक बन के रह गया हिंदुस्तान में, और ये सब नहीं होना चाहिए। सर जैसे बीजेपी को कट्टर हिंदू कहा जाता है कि हिंदू के रक्षक है, ऐसे ही ओबीसी को मुस्लिमों का मसीहा कहा जाता है, तो क्या लगता है वास्तव में ओबीसी मुस्लिमों के मसीहा है? देखिए मुस्लिम जो है ओबीसी मुस्लिमों के मसीहा नहीं है, ओबीसी एक पार्टी है, उस पार्टी के एक लीडर है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान उनको मुस्लिम रहनुमा नहीं मानता। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर है, उस हिसाब से सारे लोग देखते हैं।